मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की उचित मूल्य की दुकानों में आवश्यक खाद्य सामग्री की उपलब्धता को लेकर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावी तरीके से जारी रखी जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए कि कोरोना वायरस के कारण लोगों को आवश्यक वस्तुओं की किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि आवश्यक सामग्री को लेकर आने वाले वाहनों को रोका नहीं जाए, क्योंकि ऐसा करने से राज्य में आवश्यक सामग्री की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि संबंधित जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक को यह निश्चित करना चाहिए कि आटा मिलें गेहूं पिसाई के लिए निर्बाध आपूर्ति जारी रखें। भारतीय खाद्य निगम के भंडारों में गेहूं और चावल आदि का पर्याप्त भंडार है। प्रदेश में भी गेहूं, आटा, चावल के पर्याप्त भंडार के साथ साथ 1200 मीट्रिक टन से अधिक नमक और 4000 मीट्रिक टन से अधिक चीनी का भंडार है, इसलिए किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में इस समय चना और मसूर सहित दालों का भी पर्याप्त स्टॉक है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अन्य राज्यों से दालों की प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित बनानी चाहिए। PRTV के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।